नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। पूर्वी दिल्ली के बारापुला नोएडा लिंक रोड में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पीडब्ल्यूडी के एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर से कार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 42 वर्षीय व्यक्ति 26 मई को नोएडा से दिल्ली के कृष्णा नगर काम से घर लौट रहा था। वह DND होते हुए जब दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर पहुंचा, इसके बाद मयूर फेज विहार के फ्लाईओवर से वह कृष्णा नगर जा रहा था। यही बारापुला फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, जहां यह हादसा हो गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले बताया गया कि दुर्घटना की खबर मिलते ही दमकल विभाग, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस की अपराध टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। उन्होंने पाया कि व्यक्ति की वैगनआर कार अधूरे फ्लाईओवर से नीचे गिर गई थी। हादसे के वक्त व्यक्ति ही कार चला रहा था। फिलहाल उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार व्यक्ति गलती से निर्माणाधीन फ्लाईओवर की ओर चला गया था, जिससे वह कार के साथ 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया।